प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत की कड़ी में आज हम विदेशी यात्री जो भारत आए, चाहे उनका प्रयोजन राजनीतिक रहा हो या धार्मिक रहा हो या सांस्कृतिक रहा हो, जो भी रहा हो, उन्होंने भारत के तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति का वर्णन अपने यात्रा संस्मरणों में किया है और ये संस्मरण हमें भारत के इतिहास के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जहाँ पे भारतीय स्रोत मौन हैं। इसीलिए ये संस्मरण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम विदेशियों के विवरणों को देखें तो उनमें हमें ईरानी, यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब एवं मुसलमान यात्रियों और लेखकों का विवरण महत्वपूर्ण जान पड़ता है। ईरानी, यूनानी एवं रोमन वृत्तांत। भारत का विदेशों से प्राचीन काल से संबंध रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही भारतीयों ने विदेशों से संबंध स्थापित कर लिए थे, परंतु इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमारे पास पुरातात्विक प्रमाणों के अतिरिक्त साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। बाद में ईरान और यूनान से भारत के संबंध बने, इनकी पुष्टि साहित्यिक स्रोतों से होती है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के विवरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यूनानियों के प्रभाव में आने के पूर्व ही भारतीय ईरान के संपर्क में आ चुके थे। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम ने, जिसे हम दारा कहते हैं, ने भारत के एक यूनानी सैनिक सॉरी फारस के एक यूनानी सैनिक स्कैलेक्स को सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने को भेजा था। उसने सिंधु नदी से ईरान तक के जलमार्ग को खोजा। इससे प्रेरणा लेकर हिएक्टियस मिलेटस नामक दूसरे यूनानी लेखक ने एक भूगोल की पुस्तक लिखी जिसमें सिंधु प्रदेश का प्राचीन विवरण उपलब्ध है। अपनी हिस्टोरिका में भी हेरोडोटस भारत का विवरण करता है। इसी प्रकार कैसियस के विवरणों से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम देखें विदेशी यात्रियों के आक्रमण में, विदेशी शासकों के आक्रमण में, तो भी हमें ईरान का नाम पहले ही मिलता है और उसके बाद में यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय अनेक यूनानी लेखक भारत आए जिन्होंने यहाँ की स्थिति के विषय में लिखा। वस्तुतः भारत पर सिकंदर के आक्रमण की बात इन्हीं लेखकों से ज्ञात होती है। भारतीय ग्रंथों में तो इसका उल्लेख ही नहीं मिलता। इन लेखकों के मूल लेख उपलब्ध नहीं हैं, परंतु बाद की ग्रीक और लेटिन साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसे लेखकों में अरिस्टोबुलस, नियारकस, चारस, यूमेनियस, ओनेसिक्रिटस इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी। ओनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के पश्चात भी अनेक यूनानी और रोमन लेखकों ने भारत पर लिखा।
इन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीस था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया और यहाँ पर रहा। यद्यपि मेगस्थनीस के बारे में आता है कि वह पाटलिपुत्र में जो उस समय भारत उत्तरी भारत की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, मौर्यों की राजधानी थी, वहाँ पर रहा, लेकिन अधिकांश समय उसने वो कंधार और उस इलाके में गुजारा, जो भी, क्योंकि वो इलाका पहले सिकंदर के अधीन था। मेगस्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर, राजा के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं भारत की तत्कालीन अवस्था का वर्णन किया है, तत्कालीन समाज का वर्णन किया है, सामाजिक विभाजन का वर्णन किया है। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक अतिशयोक्तियाँ हैं, तथापि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की अच्छी जानकारी इससे मिलती है। दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब ये हमें मूल पुस्तक नहीं मिली, और जो बाद के जो लेखक थे जैसे स्ट्रैबो है, डायोनिसियस है, कर्टियस है, डायोडोरस सिकुलस है, प्लीनी है, टॉलेमी है, उन्होंने इस पुस्तक को देखा था, उन्होंने अपनी पुस्तक में इंडिका को रेफरेंस के रूप में, संदर्भ रूप में उसकी सामग्री का उल्लेख किया है। और जब हमने ये पुस्तकें देखी तो उसमें हमें पता चला कि मेगस्थनीस ने इंडिका पुस्तक में भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री और टॉलेमी ने ज्योग्राफी लिखी। ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नावक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। चीनी एवं तिब्बती लेखकों का विवरण यूनानी और रोमन यात्रा वृत्तांतों के समान चीनी एवं तिब्बती विवरणों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। सुमाचीन प्रथम चीनी लेखक है जिसके लेखों से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी लेखक फायान है, वह 399 ईस्वी में भारत आया। भारत में वह लगभग 15 वर्षों तक रहा। इस दौरान उसने भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों का भ्रमण किया। फायान चाइना से मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से होता हुआ जलमार्ग द्वारा पुनः अपने देश चीन लौटा। मतलब उनका उद्देश्य था कि किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर कितने विहार बने हुए हैं, कितने मठ बने हुए हैं, कितने स्तूप हैं, कितने बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रह रहे हैं। उनका ये उद्देश्य था, इसलिए वो स्थल मार्ग से आए और जल मार्ग से जहाँ जहाँ पर बौद्ध धर्म था वहाँ वहाँ पर ये इन्होंने अपने यात्रा की और वहाँ का जो भी जानकारी थी वो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी। चीन वापस लौटकर उसने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया, जिसे फायू की या द ट्रेवल्स ऑफ फायान कहते हैं। फायान के विवरण से गुप्तकालीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की अच्छी जानकारी मिलती है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक था, उसके समय भारत आया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसने कहीं पर भी अपनी पुस्तक में उस समय के शासक का उल्लेख नहीं किया, अर्थात राजनीतिक जानकारी हमें इसमें नहीं मिलती है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग या युवान च्वांग था, जो 629 ईस्वी में भारत आया, हर्षवर्धन के समय में। उसने भी भारत के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों का भ्रमण किया। यह भी मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया और दक्षिण पूर्वी एशिया होते हुए जल मार्ग से पुनः अपने देश चीन लौट गया। इसने अपनी पुस्तक रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या सीयू की में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया।
इसमें 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास और संस्कृति, विशेषकर हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उसने हर्षवर्धन की प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षणिक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। बाद में हुइली ने युआन चांग की जीवनी लिखी, द लाइफ ऑफ युआन चांग। वेनसांग युआन चांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह है राजस्थान बीज आया, और इधर जो भीनमाल है इसको उसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है पिलोमा के रूप में। हिवेंसा के बाद में इत्सिंग भारत आया, अन्य अनेक चीनी यात्री भी भारत आए। इनके विवरण भारत के विषय में हमें बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। चीनी यात्रियों के समान ही तिब्बती यात्रियों के विवरण भी भारतीय इतिहास की पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। तिब्बती लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लामा तारानाथ का है। लामा जो बौद्ध धर्मगुरु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो लामा कहलाते हैं। उनकी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब मध्यकाल से जो पहले का भाग काल है वो पूर्व मध्यकाल, 750 से जो 1200 का काल है वो पूर्व मध्यकाल है। धर्मस्वामी के विवरण से भी 13वीं शताब्दी के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नालंदा महाविहार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। तत्कालीन राजनीतिक इतिहास पर भी धर्मस्वामी के यात्रा वृत्तांत से प्रकाश पड़ता है। अरब एवं मुस्लिम लेखकों के विवरण 8वीं शताब्दी में अरबों की सिंध पर विजय, मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को अपने अधिकार में कर लिया और बाद में मुल्तान को अपने अधिकार में कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि अरब और भारत के मध्य संपर्क प्रारंभ हो गया, और अब भारत का अरब संसार संबंध भी बढ़ गया। अनेक व्यापारी यात्री अब भारत आने लगे। उन लोगों ने भारत का वर्णन अपने लेखों में किया। तुर्की आक्रमण समय से अनेक मुसलमान लेखक भी भारत आए, जिन्होंने यहाँ की स्थिति का वर्णन किया। ऐसे लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अलबरूनी का है। देखिए, भारत के इतिहास की जो प्रामाणिक पुस्तक है, प्राचीन भारत की जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक, वो आपके अलबरूनी की तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है। अलबरूनी अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है उस्ताद या टीचर, और उसने अपनी जो पुस्तक है उसमें पूर्ण रूप से विशुद्ध इतिहास लिखा है, जिसमें कोई भी कहीं पर भी हमें अतिशयोक्तियाँ नहीं मिलती है। और इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत की दर्शन, समाज, धर्म, विज्ञान, गणित सबका, ज्योतिष सभी का इसने विशुद्ध वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और उसी के समय ये भारत में आया था। अलबरूनी के अतिरिक्त अलबिरादरी, सुलेमान, मिनहाजुद्दीन, अलमसूदी, फरिश्ता और मार्को पोलो के विवरण से भी हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह जहाँ पे भारतीय स्रोत, जो भारत के चाहे वो साहित्यिक स्रोत हों चाहे पुरातात्विक स्रोत हों, वो जहाँ पे मौन हो जाते हैं, वहाँ पे विदेशी यात्री विवरण जो है वो हमें भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।